शाही पनीर स्टफ शिमला मिर्च। उसके लिए आपको चाहिए करीब 6 से 7 पीस शिमला मिर्च के, मीडियम साइज के, ज्यादा बड़ा साइज ना लें और बहुत ज्यादा छोटा भी ना लें। स्टफ करने में बड़ा दिक्कत आती है छोटा साइज हो तो, आप बड़ा साइज हो तो वो उतना अच्छे से आपका स्टीम नहीं होगा। इस तरह से इतने पतले और इतने बारीक कटा हुआ करीब 1 बड़ा प्याज, बहुत पतला इसे काटें जितना पतला आप काट सकते हैं, और ये करीब 50 से 70 ग्राम के करीब ये पनीर है, ये मैंने मसल के रखा हुआ है, मसला हुआ पनीर है। मसालों में आपको चाहिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पूरा भर के सौंफ पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, अगर तीखा पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1/4 टीस्पून ही यूज करें, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून पुदीना पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 चम्मच अचार मसाला और 1 चम्मच नमक। इसको आप वैसे नमक आप स्वाद के अनुसार रखें। अब आप इसमें शिमला मिर्च को इस तरह से बीच से कट करके इसका पार्ट ये निकाल दें, ये इस तरह से आप ये सारी शिमला मिर्च को खोखला कर लें, और ये सारा जितना भी मसाला है इसे आप मिक्स कर लें, एक अलग बर्तन में मिक्स कर लें। ये इस तरह से आप इसमें से सारे मसाले मिक्स कर लें। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए आपका ये मसाला स्टफिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें शिमला मिर्च में इस तरह से इसको स्टफ कर लें। ये आपकी सारी शिमला मिर्च इस तरह से स्टफ हो गई है। अब आप एक पैन में 2 से 3 चम्मच, ज्यादा नहीं बस 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लें। अगर आप इसे बेक करना चाहते हैं तो आप इसे अवन में भी कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप उसमें इस तरह से सारी शिमला मिर्च को रख दें, और ये इस तरह से आपने सारी जैसे कि ये शिमला मिर्च रखी हैं, अब इनको आप बिल्कुल धीमी आंच पे स्टीम करना है। अब आप इसको एक लिड से इस तरह से ढक दीजिए, और इसे करीब 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे धीमी आंच पे एकदम स्टीम होने दें। इसका ये खास ध्यान रखना है कि आप इसको रेगुलर ऐसे ही ना छोड़ें, बराबर 2-2, 3-3 मिनट के डिस्टेंस पे आप इसे अलटते पलटते रहें। इस तरह से आप इसे अलटते पलटते रहें, वरना ये नीचे नीचे से लग जाएगी और हल्की सी कसाई ली जाएगी। मसाला इसका बाहर नहीं आता है, इसलिए ये ना सोचें कि मसाला बाहर आ जाएगा दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मसाला इसका जगह बाहर नहीं आता है। आप इसी तरह से इसको धीमे धीमे इसे बीच बीच में 1-1.5 मिनट के गैप पे पलटते रहें, ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से सीख जाए। वापस इसे ढक दें स्टीम होने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए ये अब आपकी शिमला मिर्च बिल्कुल तैयार है। अब इसे टच करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल आराम से कट रही है इस तरह से। ये देखिए ये इजीली कट रही है, इट मींस इट इज एब्सोल्युटली रेडी टू ईट। अब आप इसमें जो ये हल्का हल्का पानी पानी नजर आ रहा है, आप इसे तेज आंच करके सिर्फ 1 मिनट में ये पानी पूरा ड्राई हो जाएगा। आप इसे इस तरह से तेज आंच करके ड्राई कर लीजिए, और अब आपकी शिमला मिर्च बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको ये डिश पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। अगर आप बनाते हैं और आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्दी आपके लिए और बहुत अच्छी अच्छी नई नई डिशेज लेके आती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।